हाय नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस चैनल का पहला व्लॉग शूट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं रेडी बैठी हूँ एंड दैट्स बिकॉज आज हम बाहर जा रहे हैं मेरी फ्रेंड से मिलने, बिकॉज इट्स अ गुड बाय व्लॉग। क्योंकि मेरी फ्रेंड आज US जा रही है, उसकी शाम की फ्लाइट है एंड अभी यहाँ पे 12 बज रहे हैं और हम लोग, मैं और मम्मी अभी निकल रहे हैं घर से उसके घर जाने के लिए, उसके लिए उसके स्पेशल रिक्वेस्ट पे आलू पराठा लेके। सो लेट्स गो एंड मीट हर एंड विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर जर्नी एंड लेट्स गो। तो मम्मी, अभी हम दिलशाद गार्डन जा रहे हैं। आपको दिलशाद गार्डन जाने में जहाँ पे घर है, जहाँ अच्छा लगेगा, जहाँ पे हम लोग बड़े हुए हैं वहाँ तो मेरा घर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, इसे क्यों ना खुशी हो, इसकी फ्रेंड से मिलने जाना है इसको। क्या खुशी क्या दुख भी पड़ जा रही है वो, दुख क्या है, अपनी लाइफ सेटल करने जा रही है तो खुशी है। अब हम कार में मिल, अभी तो रास्ता खाली है, जाम तो नहीं दिख रहा है 15 अगस्त के कारण। ये आराम से हम लोग जा रहे हैं, बेटी मेरी ड्राइव कर रही है। हाय हेलो, कुछ तो बोलो। और मैं आराम से बैठ के जा रही हूँ हमेशा की तरह। अभी रेड लाइट पे हमारी कार रुकी हुई है, लगता है कि हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो रही है। मौसम सुहाना है, सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं हम लोग बाहर निकल के। अब बारिश तेज हो रही है, देखो बहुत तेज बारिश हो रही है। मौसम के सुहाना, दिलशाद गार्डन जाने का है बहाना, बेटी ड्राइव करे और मम्मी गाए गाना चलो अब दिलशाद गार्डन पहुंच के फिर दिलशाद गार्डन आते ही हमें जाम मिल गया, आप क्या कहना चाहोगी? पहले भी मिलता था, कोई नई बात नहीं, आज तो खाली मिला। पार्किंग नहीं मिली हमें, हम ऐसे ही रोड के साइड में कहीं पार्क करके बैठे हैं। क्या बोलना चाहोगी आप? क्या बोलूं, इंतजार करो अपनी फ्रेंड का। मुझे डोसा खाना था, आंटी ने डोसा सांभर बनाया है, मैं कैसे गरम गरम डोसा सांभर खाऊंगी? मैं कार पे रहूंगी, तुम नहीं? ऐसा नहीं ना, अपनी आंटी को बोलती हूँ आंटी पैक कर दो, गाड़ी में खा लूंगी मैं। एक बार उठा के ले गए थे ना एमसीडी वाले। हाँ चलते टाइम मैकडॉनल्ड्स चलोगे? ड्राइव थ्रू, वही क्रॉस रिवर का ड्राइव थ्रू है, फ्राइज खाएंगे। ठीक है,
आपको कुछ और खाना होगा तो वो भी खा सकते हैं। ओके, और बताओ। क्या बताऊँ, यादें जुड़ी हुई हैं, 16 साल की यादें, दिलशाद गार्डन से। अपने घर भी जाओगी? क्या फायदा, क्या फायदा, नहीं जाओगी। वहाँ भी तो पार्किंग की जगह मिलेगी। वहाँ तो यहाँ से भी ज़्यादा प्रॉब्लम, इस पॉकेट से भी ज़्यादा प्रॉब्लम पार्किंग की प्रॉब्लम है। क्या करें, बड़ी पार्किंग की इशू है यहाँ पे। उधर खड़ी है। इंडिपेंडेंस डे मेरे दोस्त, रोज सेल्फीज तो हम खूब लेते हैं। क्या ये लोग झूठ का समय बर्बाद करते हैं। इमरजेंसी में अगर कहीं लगाना होगा तो इन लोगों का भाषण सुन लो। हेलो कायन, तो आजा सीधा आती जा, जहाँ पे सीधा आती जा। हाँ, वो सामने वाली गाड़ी है ना तेरी। हाँ। अब दिमाग खराब हो गया। जाने का गम है, देश छोड़ने का कोई गम नहीं है, खुशी से उछल रही है वो। पापा मम्मी से फिर एक साल दूर रहेगी, खुश रहती है। क्यों, मम्मी पापा को मिस नहीं करती है? करती है, फिर खाना ज्यादा मिस करती है। To prove the fact that I'm a Swiftie, यही बचता है मेरे कार में। Taylor Swift के गाने बचते हैं मेरी कार में। बारिश होती तो कितना अच्छा होता, बट बारिश नहीं हो रही। अनार के पेड़ पे छोटे छोटे अनार निकले, सिर्फ फूल ही दिख रहे हैं। पहले तुम लोग नाना जी के घर जाते थे तो अनार का पेड़ था ना, याद है? नहीं, लीची का पेड़ याद है? लीची तो बाद में था, अनार भी था। तुम लीची मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी तब था, अनार तो पता नहीं फिर कभी होगा। खूब बड़े बड़े अनार आते थे तो बता रही हूँ। मैं आधे घंटे पहले से रिसम मुझे खड़ा करा देता था, मम्मी सबसे आगे तुम्हें होना है। क्या दिन थे वो गाना, वो दिन भी क्या दिन थे। लेकिन मुझे अपनी स्कूल लाइफ नहीं पसंद, स्कूल लाइफ नहीं पसंद, बचपन पसंद है लेकिन स्कूल टाइम नहीं पसंद, स्कूल नहीं पसंद मुझे अपना स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ बहुत मस्त। अरे सबके अपना एक्सपीरियंस होता है, मम्मी आपका बहुत अच्छा था तो इसमें सब ये नहीं, मेरा बहुत अच्छा था, मेरे को नहीं पसंद अपनी स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ बहुत मस्त नहीं होता है लेकिन बाद में जब सोचोगे ना तो बहुत अच्छा। नहीं तो बाद में भी, मैं स्कूल छोड़े कितने साल हो गए, 6-7 साल हो गए मुझे स्कूल छोड़े हुए, और कितना। निकलो आप, के ड्रामास की हीरोइन बनोगी, आपका सीट बेल्ट लगाऊं, आपका सीट बेल्ट हटाऊं। इसको देख के क्या लग रहा है, ये कुछ घंटों में जाने वाली है। कितनी लंबी लग रही है मुझसे, पैक कर लिए मेरा एक बैग तो पूरा जूते का ही आया। पता है, मुझे बताया था तूने। चल मेरे ब्लॉग को एक साल के लिए हेलो हाय बाय बाय कर दे। हेलो हाय बाय बाय कौन होगी एक साल के लिए, मिनिमम एक साल फिर रिकॉर्ड करके भेज दूंगी वहाँ से। प्रॉमिस कर रही है वीडियो पे? ठीक है, रिकॉर्ड करके और वीडियोस भेजेगी और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेगी। ठीक है, करेगी। अपनी माँ को तो दिखाया नहीं तूने, आंटी को मैंने बताया अभी। अभी मैं पैकिंग वगैरह इन सब में बिजी, और वो खुद मैं कल प्रिंट आउट लाने के लिए बोली थी जिसमें तुम सब थे, वो नहीं आई। हाँ भी मैं बढ़िया है। लावण्या एक साल बाद, अगर एक साल पहले, एक साल से पहले आएगी नहीं आएगी? मुश्किल है।
अगर कोर्स जल्दी कंप्लीट हो गया तो? कोर्स तो दिसंबर में हो रहा है, पर जॉब बिना बिना आ नहीं सकती। अगर जॉब मिल जाए तो उसकी स्टार्ट होने से पहले आ सकती हूँ। आइए अगर पॉसिबल हुआ तो। बाय।